भगवान बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, उससे पहले नजर डालेंगे जिले भर की सुर्खियों पर। गांधी सागर के सभी 19 गेट खुले, लगातार बढ़ रहा है जल स्तर, बांध से लगे सभी गांवों को किया अलर्ट, लाखों क्यूसेक की रफ्तार से आ रहा पानी। छत्तीस घंटे की बारिश में नीमच के नालों ने मचाया कोहराम, नीमच सिटी रावणलुंडी मार्ग हुआ बंद, पुलिया पर 6 फीट बह रहा है पानी। मनासा में 7 साल का बालक नदी में बह गया, बेटी चप्पल को पकड़ने में हुआ हादसा, रेस्क्यू टीम का ऑपरेशन है जारी। बारहवीं नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल का हुआ शुभारंभ, मंत्री सखलेचा ने किया उद्घाटन, संस्कृति और विज्ञान का समन्वय बिठाने की कही बात। विधायक दिलीप सिंह परिहार ने एकता कॉलोनी का किया औचक निरीक्षण, नगरपालिका सीएमओ को दिए व्यवस्था सुधारने के निर्देश, रहवासियों की सुनी समस्या। गौसेवा के लिए भगवान ने जमीन पर लिया अवतार, गौसेवा कार्यक्रम में बोले भाजपा जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार, सिंधी समाज ने आयोजित किया कार्यक्रम। मध्य प्रदेश सरकार ने एडवोकेट अनुपाल सिंह झाला को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, गोपालन पशुधन संवर्धन समिति का उपाध्यक्ष किया नियुक्त, स्नेहजनों में खुशी की लहर। हेडलाइन के प्रायोजक है ज्ञानोदय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट। प्रवेश प्रारंभ सत्र 2022-2023।